इसी तरह दिन, महीने और साल बीतते गए और अब लुइजा को अपने घर से भागे हुए 3 साल हो चुके थे। और जहां से हमने कहानी की शुरुआत की, रेडियो पर वो 3rd साल की अनाउंसमेंट थी, जहां पर उसकी माँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि लुइजा तुम जहां भी हो वापस आ जाओ। लेकिन लुइजा के मन में घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। जिंदगी बहुत अच्छे से आराम से कट रही थी कि एक दिन अचानक उसे शैंडलर में बाजार में पॉल दिखा और पॉल को देखते ही मानो उसे अपने घर की ऐसे याद आई जैसे वो हमेशा से वापस जाना चाहती थी। पॉल ने उसे देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाई। वो चाहती तो छुप सकती थी, उसे नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। वो गई पॉल के पास और जाकर उसने उसके कंधे पर टैप किया। पॉल उसे देखते ही हैरान रह गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, लुइजा तुम यहां, तुम यहां। लुइजा ने किसी तरह उसे शांत किया। उसने कहा कि तुम कहां हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में कितनी मुश्किलें रही हैं, वो लोग कितने परेशान रहे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें वापस लाने के लिए, और तुम यहां क्या कर रही हो। तो लुइजा ने उसे तसल्ली से सब कुछ बताया और पॉल ने अब डिसाइड किया कि लुइजा तुम मेरे साथ चलोगी। लुइजा जाना चाहती थी, शायद उसके अंदर ये इच्छा हमेशा से थी कि वो घर वापस जाए, कोई उसे ढूंढता हुआ उसके पास तक आए, लेकिन ये बात उसने कभी सोची नहीं थी। लेकिन जब पॉल ने जिद की तो उसने फैसला किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। 3 साल बाद लुइजा अब अपने घर वापस जाने वाली थी। उन्होंने अगली ट्रेन की टिकट ली, रॉकविल पहुंचे और फिर वहां से एक गाड़ी में पॉल लुइजा को बिठाकर उसके घर वापस ले आया। लुइजा अपने घर को देखते ही रोने लगी। जब वो गाड़ी से नीचे उतरी, उसके पैर कांप रहे थे। पॉल ने किसी तरह उसे सहारा देकर उसे गाड़ी से उतारा और उसके कंधों को पकड़ते हुए वो उसे आगे ले जाने लगा। घर का दरवाजा बंद था, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था। लुइजा को कभी भी इस घर की डोरबेल बजाने की या दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, फौरन उसकी बड़ी बहन कैरल ने दरवाजा खोला और वहां दूर उसे खड़े दिखाई दिए मिस्टर एंड मिसेस टेथर, अपने माता पिता। उसकी मां उसके पास आई, उन्होंने दोनों कंधों से उसे पकड़ा, लुइजा का गला भराया, उसकी आंखें भराई, और इससे पहले वो उनसे कुछ कहती, उसकी मां ने उससे पूछा, कौन हो तुम? लुइजा ने कहा, मैं लुइजा टेथर। उसकी मां ने फिर उससे पूछा, अपना असली नाम बताओ। उसने दोबारा जवाब दिया, मां मैं लुइजा टेथर। उन्होंने कहा, मुझे मां मत कहो, अपना असली नाम बताओ। लुइजा को समझ नहीं आया कि उसकी मां ऐसा क्यों कह रही थी, और तभी उसके पिता बोल पड़े, बेटा तुम घबराओ मत, तुम हमें अपनी असली पहचान बताओ। ये जो पॉल है, इसने पिछले 3 सालों में हमारे साथ इतने खिलवाड़ किए हैं हमारी बेटी को लेकर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम्हारी जैसी पहले भी 2 लड़कियों को लेकर आया था, हूबहू हमारी लुइजा जैसी। एक लड़की तो कई महीनों तक हमारे साथ रही, उसे हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार की हर डिटेल के बारे में सब कुछ पता था। वो चीजें जिन पर हम हंसी मजाक किया करते थे, वो बातें जो हमारी यादें हैं, सब कुछ उसे पता थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो कोई बहरूपिया थी। ये 2 बार हमारे साथ ऐसा कर चुका है और तुम्हें देखकर साफ समझ में आ रहा है कि तुम लुइजा नहीं हो। ये वो पल था जब लुइजा को पहली बार एहसास हुआ कि लुइजा टेथर से लुइस टेलर बनने में वो कितनी बदल चुकी है। वो बालों का अलग स्टाइल, वो चेहरे का मेकअप, वो कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ इतना बदल गया था कि उसके अपने माँ बाप उसे एक बहरूपिया समझ रहे थे। उसके जी में आया कि वो उन्हें यकीन दिलाए कि वही उनकी लुइजा है। लेकिन फिर अचानक से पॉल की आवाज आई कि देखिए, आप ऐसे उसे हरास नहीं कर सकते, आप देखिए यही लुइजा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यही लुइजा है। लुइजा के माँ बाप को पॉल पर जरा भी यकीन नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि लुइजा को ढूंढने का जो रिवॉर्ड का पैसा है, उसे पाने के लिए पॉल फिर एक बार किसी नई लड़की को ले आया है जो हमारी बेटी नहीं है। पॉल ने लुइजा के पिता को थोड़ा अलग ले जाकर समझाने की कोशिश की, उन्हें बताया कि वाकई में ये लुइजा है, मुझे शैंडलर में मिली, और अपने अलग अलग लॉजिक वो उन्हें देने लगा। लेकिन लुइजा अपनी मां और अपनी बहन की आंखों में उसके लिए वो शक देखकर समझ चुकी थी कि इन्हें यकीन नहीं आने वाला।
ये पहले इतनी बार धोखे खा चुके हैं कि मुझ पर, जो वाकई में असल में इनकी बेटी है, यकीन नहीं करेंगे। वो पॉल के पास गई तो उसने सुना कि पॉल उसके पिता को धमकी दे रहा था कि मैं आप पर केस करूंगा, मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगा कि आप अपनी ही बेटी को नहीं स्वीकार रहे हैं और जिस वजह से मुझे वो रिवॉर्ड का अमाउंट नहीं मिल पा रहा है। तो लुइजा ने पॉल के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, पॉल तुम बेवजह बहस मत करो, बेवजह ऐसे लड़ाई मत करो, वो देख चुके हैं कि मैं इनकी बेटी नहीं हूं। पॉल की आंखें खुली रह जाती हैं कि ये लुइजा क्या कह रही है। तो लुइजा कहती है कि देखो, अब जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं वापस जाना चाहती हूं। लुइजा के पिता ये बात सुनकर थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम इतनी समझदार हो, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तुम्हें हमारा दर्द दिखाई दिया। हम पहले भी इतनी बार ठगे जा चुके हैं कि अब हमें यकीन नहीं आता, और हम जब अपनी लुइजा को देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी बच्ची है। उन्होंने प्यार से लुइजा के सर पर हाथ रखा, अपनी जेब से कुछ डॉलर्स उसे निकाल कर दिए कि तुम्हारा आने जाने में जो खर्चा हुआ होगा ये उसके लिए है, रख लो। पॉल तब तक गुस्से में बाहर निकल चुका था। लुइजा ने एक आखिरी बार अपने माता पिता, बड़ी बहन और उस घर को देखा और बस किसी तरह अपने आंसुओं को रोक कर वो वहां से निकल आई। बाहर आकर उसे दूर पॉल खड़ा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचकर उसने उससे माफी मांगी, उसे समझाया कि अब इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है और जो पैसे उसके पिता ने उसे दिए थे वो उसने पॉल की हथेली पर रख दिए। अब हमेशा के लिए अपना घर, अपना शहर रॉकविल छोड़कर लुइजा वापस चैंडलर चली आई और अपनी उस नई दुनिया में जो उसने बसाई थी हमेशा के लिए बस गई। लेकिन हर साल 20 जून के दिन रेडियो पर वो ब्रॉडकास्ट, उसकी मां की वो रिक्वेस्ट, वो विनती, वो हर साल सुनती थी, जहां पर बहुत इमोशनल होकर भरे हुए गले के साथ हर साल उसकी मां रेडियो पर आया करती थी और गुहार लगाया करती थी कि लुइजा तुम जहां भी हो घर वापस आ जाओ, मैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारी बड़ी बहन कैरल, हम सब तुम्हारे इंतजार में हैं। लुइजा प्लीज कम होम। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।